नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल दस्तक की प्रस्तुति दस्तक दिनभर। मैं हूं आपके साथ यशपाल सिंह। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। उपचुनावों का बहिष्कार करेगा करुणामूलक संघ, आश्रितों को नौकरी न मिलने से नाराज है संघ। गगरेट अस्पताल में फिर बड़ी लापरवाही, महिला मरीज को दे दी एक्सपायर दवाई। मनरेगा कार्य बंद करने के फरमान से भड़के पार्षद मनोज कुमार, बोले वैक्सीनेशन का बहाना बनाकर काम बंद करना उचित नहीं। 16 सितंबर को हिमाचल के 5 दिवसीय दौरे पर आएंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, स्वर्ण जयंती के अवसर पर विशेष सदन को करेंगे संबोधित। बखरोट के ग्रामीणों का प्रदर्शन, उप तहसील बगशाड़ में मर्ज करने पर बिफरे लोग, सीएम को भेजा ज्ञापन। और अब समाचार विस्तार से। करुणामूलक आश्रित संघ ने उपचुनावों का बहिष्कार करने का फैसला लिया है। संघ आश्रितों को करुणामूलक के आधार पर सरकारी नौकरी न मिलने से सरकार से नाराज है। ऐसे में संघ ने अब सरकार व भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोलने का निर्णय लिया है। संघ जहां उपचुनावों का बहिष्कार करेगा तो वहीं भाजपा के खिलाफ प्रचार भी करेगा। संघ आश्रितों को सरकारी नौकरी दिलवाने के लिए अनशन पर है। संघ का अनशन वीरवार को 29वें दिन भी जारी रहा। अपनी मांगों को लेकर पिछले 28 दिन से शिमला के कालीवाड़ी के समीप करुणामूलक आश्रित अनशन पर बैठे हैं। वहीं करुणामूलक आश्रितों ने वीरवार को शिमला उपायुक्त कार्यालय से शेरे पंजाब तक आक्रोश रैली भी निकाली और उपचुनावों का बहिष्कार करने का ऐलान भी किया। ईएसआई व सिविल अस्पताल गगरेट में लापरवाही का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। सिविल अस्पताल में इससे पहले सामने आई अव्यवस्थाओं की जाँच अभी पूरी नहीं हो पाई थी कि ऐसे में अस्पताल में बड़ी लापरवाही का एक और मामला सामने आ गया। अस्पताल में मरीजों को एक्सपायर दवाएं दी जा रही हैं। मामला मंगलवार का बताया जा रहा है। गगरेट नगर पंचायत वार्ड नंबर 2 में रहने वाली सुदेश कुमारी ने बताया कि मंगलवार को उनकी तबीयत खराब हुई तो वह दवाई लेने गगरेट अस्पताल पहुंची। वहां उन्होंने डॉक्टर को चेक करवाया। डॉक्टर ने दवाई लिखी जो कि अस्पताल में बने पर्ची काउंटर से ही दवाई मिल गई। सुदेश कुमारी डॉक्टर को दवाई चेक करवाकर घर आ गई। जब वह दवाई खाने लगी तो पाया कि ये दवाई तो जून 2021 में ही एक्सपायर हो चुकी थी। उन्होंने अस्पताल पहुंचकर मामले की जब जानकारी दी तो डॉक्टर ने उनसे दवाई वापस ले ली और उन्हें बाहर से दवाई लेने को कहा। वहीं सुदेश कुमारी ने इस मामले की शिकायत वीरवार को डीसी ऊना राघव शर्मा से की है। कोरोना काल में बड़ी मुश्किल से मनरेगा के कार्य आरंभ हुए हैं, अब उन्हें भी बंद करने के आदेश से जिला परिषद सदस्य मनोज कुमार ने कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि चंबा प्रशासन ने मनरेगा के कार्यों को बंद करने के फरमान जारी किए हैं जिससे लोगों में हड़कंप मच गया है। उन्होंने जिला प्रशासन के इस फरमान को वापिस लेने की गुहार लगाई है। उन्होंने प्रशासन को चेताया है कि अगर ये निर्णय वापस नहीं लिया गया तो मजबूरन मनरेगा मजदूरों को सड़कों पर उतारना पड़ेगा। जो मनरेगा के काम बंद करने की बात की जा रही है वो बंद ना किए जाएं, और खासकर अगर वैक्सीन कोई नहीं लगवा रहा है तो उनके ऊपर सख्तियाँ करिए, जो जिनकी दो दो डोज हो चुकी है कम से कम उन्हें तो रोज़गार उपलब्ध करवाइए। तो मेरा ये विशेष का निवेदन है कि जो मनरेगा के कार्य बंद करने का जो निर्णय लिया गया है वो ना किया जाए। देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का 5 दिवसीय हिमाचल दौरा तय हो गया है। राष्ट्रपति 16 सितंबर को हिमाचल पहुंचेंगे। हिमाचल प्रदेश के पूर्ण राज्यत्व की स्वर्ण जयंती के अवसर पर सरकार की ओर से विधानसभा का विशेष सत्र एक दिन के लिए बुलाया जाएगा। इस सत्र में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद संबोधित करेंगे। विधानसभा सचिवालय में पत्रकारों से बातचीत के दौरान विधानसभा के अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने कहा कि पूर्ण राज्यत्व की स्वर्ण जयंती वर्ष के उपलक्ष्य पर विधानसभा में 17 सितंबर को एक दिवसीय विशेष सत्र का आयोजन किया जाएगा। इस विशेष सत्र को भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद संबोधित करेंगे। बताते चलें कि इससे पूर्व डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम और प्रणब मुखर्जी सदन में अपना संबोधन दे चुके हैं। करसोग की वकरोट पंचायत के लोगों ने वीरवार को जमकर प्रदर्शन किया। ग्रामीण इस बात से खफा हैं कि उन्हें दूर दराज क्षेत्र बगशाड़ में मिलाया जा रहा है जिसका वह पुरजोर विरोध करते हैं। गौर हो कि हाल ही में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बगशाड़ में सब तहसील खोलने की घोषणा की थी तथा बगशोड़ पंचायत को उप तहसील बगशाड़ में जोड़ा जा रहा है जिसका इन लोगों द्वारा विरोध किया जा रहा है। इनका कहना है कि यहां की जनता के खेत खलियान करसोग में पड़ते हैं और यहां से करसोग बिल्कुल नज़दीक पड़ता है जबकि बगशाड़ बहुत दूर पड़ता है। करसोग के लिए बखरोट की जनता पैदल भी पहुंच सकती है, इसलिए उन्हें बगशाड़ में ना जोड़ा जाए और पहले की तरह तहसील करसोग में ही रहने दिया जाए। इस मांग को लेकर ग्रामीणों ने करसोग के एसडीएम के जरिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को ज्ञापन भी भेजा।
आज हमें एक ज्ञापन स्थानीय जनता से प्राप्त हुआ है जिसमें ग्राम पंचायत बखरोट के सभी महल और ग्राम पंचायत दछैंड का एक महल, उनका ये ज्ञापन हमें प्राप्त हुआ है कि जो नई अभी सप्तसील बक्षाड़ की जो अधिसूचना जारी की गई है उसमें उनकी ऐसी मांग है कि उनको कसोग में रहने दिया जाए क्योंकि उनको दूरी वाइज बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो उन्होंने ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री के लिए